हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल लेट यू ओन लर्निंग सॉल्यूशन। सो आज अगेन हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन, जो नेम्ड रिएक्शन है, उसको कंटिन्यू करेंगे। सो क्लास 12 का चैप्टर 12 अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इससे पहले भी जो नेम्ड रिएक्शन है उसको हमने कवर किया है, सो आप लाइन बाय लाइन जाके चेक कर सकते हो। चैनल में बैक टू बैक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप न्यू हो चैनल में तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपको जो भी है महाराष्ट्र बोर्ड का कंटेंट जो है टोटल मिलने वाला है इस चैनल पर। ओके, सो केमिस्ट्री का हम लोग क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन जो है यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी इस पे फोकस मत करना ज़रा, ये डबल टाइम प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, इसमें बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। आपको बेसिक क्या चीज़ है वो याद रखना है आपको, बस मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से ये रिएक्शन होगा और बहुत अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। सो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। When a mixture of formaldehyde, formaldehyde क्या होता है, HCHO, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, formaldehyde होता है। aldehyde हमारा क्या होता है, CHO होता है। formaldehyde का क्या मतलब हुआ, जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, सो उसको आप क्या बोलोगे, formaldehyde बोलोगे, ठीक है। एंड नॉन इनोलाइजेबल aldehyde, नॉन इनोलाइजेबल aldehyde माने क्या, ये तो है aldehyde ही, लेकिन नॉन इनोलाइजेबल क्या है, सो aldehyde विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोला है, aldehyde with no alpha hydrogen। अभी ध्यान से समझना, formaldehyde क्या मतलब होता है, जिसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है, यानी कार्बन का कोई ग्रुप ही नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। और नॉन एनोलाइजेबल aldehyde क्या होता है, जिसके पास कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। आई बात समझ में, हुआ क्लियर। एक तो क्या होता है, जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, यानी कार्बन का कोई ग्रुप ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन का चेन ही नहीं है। और अगर नॉन इनोलाइजेबल की बात किया, नॉन इनोलाइजेबल aldehyde मतलब जो CHO है उससे लगता जो पहला कार्बन है उसके पास एक भी हाइड्रोजन आइटम नहीं है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, तो ये नॉन इनोलाइजेबल हो गया। इज ट्रीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी आ गया तो कॉन्सेंट्रेटेड, मान लो कोई भी कंपाउंड हो, NOH है, ठीक है, कुछ भी कोई भी कंपाउंड हो, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस बोला है तो। फॉर्मल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज, अभी क्या बोला है, ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होगा, या तो फिर इसमें से जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा या तो फिर ऑक्सीजन ऐड होगा, वो हम लोग देखते स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। सो फॉर्मल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड। अभी ये एसिड, एसिड माने COOH होता है, फॉर्मल्डिहाइड माने क्या होता है, CHO होता है आपका, और आपका जो है यहाँ पे एसिड है, फॉर्मिक एसिड बनेगा यानी COOH होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक ऑक्सीजन एटम जो है ये ऐड होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। व्हाइल द अदर नॉन इनोलाइजेबल इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, ये क्या होगा, रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल बनेगा। जैसे कि O है तो रिड्यूस होने पे, यहाँ पे देखो CHO है, इसको अगर मैंने रिड्यूस करवा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH2OH जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, CH2OH। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका रिड्यूस हुआ है, इसमें जो है H एटम जो है एक ऐड हुआ है, या तो O रिमूव हो सकता है या तो H ऐड हो सकता है, तो डिपेंड्स। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, रिड्यूस टू अल्कोहल, मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिमूव नहीं होगा, यहाँ पे H आपका जो है ऐड हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स सोडियम फॉर्मेट, अभी फॉर्मिक एसिड जो था ये फॉर्मेट बन जाएगा, एसिड बन रहा है ना, ये जो aldehyde है अगर ये एसिड बन रहा है तो इसका सॉल्ट का नाम क्या होगा, फॉर्मेट होगा ना, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है। सो ये क्या बनेगा आपका, सोडियम फॉर्मेट, ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बोला है फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स सोडियम फॉर्मेट विद NaOH। ऑन एसिडिफिकेशन सोडियम फॉर्मेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड, मतलब इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है जिसमें अगर एसिडिफिकेशन हो गया तो क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट जो होता है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड में, यानी HCOOH जो आपका मेन कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल इसको क्लीन करके आपको एक और बार अच्छे से जो है रिएक्शन बता देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड है मेरे पास यहाँ पे, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है ना,
HCHO, अगेन क्या बोला था मैंने, जिसमें अल्फा कार्बन एटम नहीं है, जिसमें क्या नहीं है, अल्फा कार्बन एटम नहीं है. बेंजल्डिहाइड ये नॉन इनोलाइजेबल है, जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है. ओके क्यों नहीं है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे जो है एक H है और यहाँ पे जो है ये C है. ये वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके पास पहले से डबल बॉन्ड है, एक CHO लगा हुआ है और एक अगेन कार्बन लगा हुआ है, यानी चार बॉन्ड तो सेटिस्फाई हो गया, यानी इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. आई बात समझ में? ओके सो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या लेना है आपको, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है. तो ध्यान देना, फॉर्मल्डिहाइड आपको लेना है और नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड लेना है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, इस तरीके से आप क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का जो है रिएक्टेंट पार्ट आपने बना लिया, यानी फर्स्ट पार्ट जो है आपने कंप्लीट कर लिया. आफ्टर रिएक्शन किस तरीके से ये परफॉर्म होगा, अभी देखो ये कंपाउंड क्या बना है यहाँ पे, फिनाइल मिथेनॉल. अभी इसको समझो, फिनाइल मिथेनॉल किसको बोलते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर वाला है इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, है ना. अभी फिनाइल किसमें बोलते हैं, जहाँ पे बेंजीन पे अगर आपके पास एक कार्बन एटम है, यानी फिर एक मिथाइल ग्रुप है बोल सकते हैं बेसिकली, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं फिनाइल बोलते हैं. क्या बोलेंगे उस केस में, हम लोग उसको फिनाइल बोलेंगे. अभी ये फिनाइल मीथेनॉल है, फिनाइल क्या है, मीथेनॉल है. मीथेनॉल क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH2OH है, ठीक है, CH2OH है, तो ये आपका क्या हो गया, फिनाइल मीथेनॉल, है ना. तो अभी ये कंपाउंड बना कैसे, अभी ये कंपाउंड बना कैसे, क्योंकि आपका जो बेंजल्डिहाइड था यहाँ पे, ये जो बेंजल्डिहाइड था ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यानी ये जो कार्बन एटम है किसके साथ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, H3O+, है ना. सो H3O+ में क्या होगा, ये जो है आपका H3O+ में CH आपके पास ऑलरेडी है, यहाँ पे एक एच जो है आपका इसके पास आ जाएगा, है ना, एक एच आपका इसके पास आ जाएगा, एक एच इसके पास आ जाएगा, आपका ओ एच था यहाँ पे, देखो ये ओ है, यहाँ पे एक एच आ गया, यहाँ पे जो है आपका CH2 हो गया, ठीक है. सो एसिडिफिकेशन हुआ यहाँ पे, यानी एक एच जो है आपका इसके पास आ गया. अभी क्या होता है यहाँ पे, ये यह आपका क्या बन गया, इस तरीके से ये आपका बन गया फिनाइल मीथेनॉल बन गया, है ना, CH2OH, एक एक कार्बन एटम आ गया दोनों के पास. और अभी ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो CHO, ये यहाँ पे था, ये वाला फॉर्मल्डिहाइड वाला पार्ट, ये CHO, HCHO जो था फॉर्मल्डिहाइड का, तो इसमें जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज. इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज होना. ऑक्सीडाइज होना यानी क्या हो गया, एक एच जो है यहाँ पे, इसने यहाँ पे ऑक्सीडाइज जो है आपका जो HCHO है यहाँ पे, ये क्या हो गया, OH, एच तो ऑलरेडी था, ओ ऐड हो गया तो ऑक्सीडाइज हो गया आपका ये प्रोडक्ट, ठीक है ना. दो एच इसके पास चला गया, एक ओ इसके पास आ गया, तो आपका जो प्रोसेस है ये टोटल क्या हो गया, एसिडिफिकेशन, यानी जो मीडिएटर बनता है आपका इंटरमीडिएटर, ऑन एसिडिफिकेशन सोडियम फॉर्मेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड, यानी ये कंपाउंड बनेगा आपका, क्या बनेगा, HCOOH बनेगा. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एक और बार आपको दिखा देता हूँ, सिंपली आराम से समझो. एसिडिफिकेशन होता है आपका यहाँ पे, प्रोटोनेशन भी आप बोल सकते हो इस चीज़ को, जहाँ पे आपका जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ऐड होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ आप इसको रिएक्ट करवाते हो, तो ये फिनाइल मिथेनॉल बन जाएगा, जहाँ पे CHO मेरे पास ऑलरेडी था, तो CHO को यहाँ पे क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया ये कंपाउंड, तो ये बन गया फिनाइल मिथेनॉल, और जो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड था ये ऑक्सीडाइज हो गया और क्या बन गया आपका, फॉर्मिक एसिड, ठीक है. सो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत इजी रिएक्शन है. अगर आपको रिएक्टेंट समझ में आ गया तो प्रोडक्ट याद करने की जरूरत आपको नहीं है. सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है. अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ. और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो. तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय.